Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to your YouTube channel Gyandaini Online Class. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इस टॉपिक के भी बहुत सारे मैसेज मेरे को आएंगे। सर पहले जो है हमारा स्टेनो का एग्जाम आ रहा है और उसके लिए आप जो है पहले सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक करा रहे। मैं कहा ठीक है चलो सिटिंग अरेंजमेंट उठा लेते हैं। ठीक, कुछ लोगों की डिमांड लॉजिकल रीजनिंग की भी आ रही है, लॉजिकल रीजनिंग भी कराऊंगा। जून का समय मुझे पूरा तो दो, टॉपिक आपके सारे कराऊंगा जब मैं आपके साथ यूट्यूब पे जुड़ गया हूँ। आप भी बस मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी मिलेगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जो आपके तैयारी कर रहे हैं चाहे वो आपके भाई बंधु हो या आपका कोई मित्र हो उस तक जरूर पहुंचा दें। ठीक है, अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में तीन प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपका हो गया लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि एक रेखा में बैठे हुए हैं कुछ लोग, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सुरेश रमेश के दाएं हैं बाएं हैं इस तरीके से। एक सेकंड टाइप में आते हैं डबल लाइन वाले, यानी कि दो पंक्तियां होती हैं आपने सामने से इस तरह बैठे हुए होते हैं। और टाइप थर्ड में आते हैं आपके सर्किल वाले, ठीक है, जिसमें सर्किल हो गया या अष्टभुज हो गया जिसे ऑक्टागन कहते हैं, या फिर एक स्क्वायर टेबल हो गई या रेक्टेंगल टेबल हो गई, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला टाइप, टाइप हमारा फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट यानी कि रेखीय व्यवस्थीकरण, ठीक है, लीनियर रेखीय बोलते हैं इसको, एक ही रेखा में जो बैठे होते हैं। तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन लगा के देखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझनी है, कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चाहे उस पंक्ति में सात लोग बैठे हों, आठ लोग बैठे हों, नौ बैठे हों, दस ग्यारह जितने भी बैठे हों, ठीक है। अब आते हैं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। व्हेन फेस इज टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि जब आपका फेस, जब मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, जब फेस आपका उत्तर दिशा की ओर, तो क्या करना है। जैसे कि कुछ पंक्ति है और उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर, सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है, तो ये वाला छोर आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट, और ये वाला छोर क्या कहलाएगा आपका, राइट। यानी कि ये वाला छोर आपका हो गया बाया और ये हो गया आपका दाया। अपने आप को भी कंसीडर करना है आपको, जैसे कि आप ही बैठे हो उस पंक्ति में तो आपका बाया हाथ किधर की तरफ होगा, ये इधर, और दाया हाथ किधर होगा, इधर, तो बाया। लेकिन जब फेस जो है आपका, जब मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है, इस तरीके से, when face is towards south, तो ये वाला छोर आपका क्या हो जाएगा, राइट, और ये वाला छोर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी कि जो आपका लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, ये आपका दाया छोर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बाया छोर, ठीक है जी, समझ में आ रहा है इतना। लेकिन यदि किसी सवाल में वो दिशा ना दे कि ना तो उत्तर की ओर दे रखा है ना दक्षिण की ओर दे रखा है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को उत्तर की ओर मानते हुए, नॉर्थ की ओर मानते हुए सॉल्व करेंगे। कहीं कहीं सवालों में आपको पूर्व की ओर भी देखने को मिलेगा, कुछ व्यक्ति पूर्व की ओर फेस करके बैठेंगे, वो भी मैं आपको इस टाइप में कराऊंगा, टाइप फर्स्ट में। टाइप सेकेंड में भी जो टाइप फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है वही काम करती है, दो पंक्तियां होंगी, एक पंक्ति जो है वो इस तरीके से होगी, एक पंक्ति ये होगी, आमने सामने बैठे हुए होंगे, चाहे वो तीन तीन लोग हो, चार चार हो, पांच पांच हो, जितने भी होते, ठीक। तो इसके लिए ये जब दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो ये वाला छोर राइट हो गया, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यही वाली काम करेगी टाइप सेकंड में, ठीक है। टाइप थर्ड के लिए उसकी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे टाइप थर्ड वाले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी हम देख रहे हैं टाइप फर्स्ट लीनियर अरेंजमेंट के, तो तब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेता हूं क्योंकि प्रैक्टिस आपकी उसी से होगी, ये तो बेसिक था इसका, समझ में आ गया होगा, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की।
चलिए जी, क्वेश्चन देख रहे हैं, मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं। जैसे कि अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से बनाने का प्रयास करें। जिन्होंने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है, कहीं पे भी पढ़ रखा हो या मेरे से पढ़ रखा हो, कुछ लोगों ने बना भी लिए होंगे, जिन्होंने नहीं बनाए वो वीडियो को देखें कैसे इन सवालों को करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखते हैं। देखो पहला सवाल दिया हुआ है कि 6 सदस्यों का एक पैनल है, एक पंक्ति में बैठा है जिसमें यू वी के बाएं हैं, लेकिन अब यहां पे वर्ड आपका दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन दे रहा है क्या? अब दो लाइनें मैं आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक में, दो लाइनों का बड़ा अहम रोल है इसमें भी, और साथ साथ एक टॉपिक आपका ब्लड रिलेशन आएगा उसमें भी, ठीक। तो दो लाइनें कौन सी हैं वो देख लो जरा एक बार। ए बी के तुरंत दाएं हैं तथा सी के बाएं तीसरा, और एक लाइन है ए बी के तुरंत दाएं हैं जो सी के बाएं तीसरा है। अब आप कहोगे इन दोनों लाइन में अंतर दिखाई दिया क्या? एक में है तथा एक में जो, अंतर है तो इसी अंतर को समझना है। जिसने जिसको ये अंतर पता हो उसने क्वेश्चन बना भी लिए होंगे। देखो कैसे, ए बी के तुरंत दाएं हैं तथा, यहां पे अगर आपका वर्ड आ जाए तथा और लेकिन, ठीक है, कुछ भी आपका इस तरह इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो, तो यहां पे जो तथा और लेकिन बात है ये किसकी हुई है? ए की, पहले वाले की, जो कॉमे से पहले लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहां पे वर्ड आ जाए जो, अगर मैं इस लाइन की इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में इस तरीके से लिखी होगी, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड सेकेंड सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो बात किसकी होगी? अगर यहां पे इंग्लिश में एंड वर्ड आता है तो कॉमे से पहले वाले के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, यहां पे लिखा हुआ है हु, जो इंग्लिश में हु लिखा हुआ होगा, किस तरीके की लाइन होगी? ए इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि ए बी के तुरंत दाएं है जो सी के बाएं तीसरा है। तो अब यहां पे इंग्लिश में हु या हिंदी में जो वर्ड आ रहा है ये बात किसकी होगी? जो कॉमे से बाद में लिखा होगा, यानी कि बी की। बस इन पॉइंट को, इन दोनों लाइन को अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है और नोट करके कहीं लिख लेना है, ठीक है। कभी आपका सिटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 6 सदस्यों में एक पैनल है, एक पंक्ति में बैठा है जिसमें यू बी के बाएं है लेकिन डब्ल्यू के दाएं है। अब यहां पे 6 सदस्य हैं, एक लाइन खींच लो। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी वो नहीं दिया आपको दिशा, दिए क्या ना? इसने कहा उत्तर की ओर ना कहा दक्षिण की ओर, तो क्या करोगे? हाँ, उत्तर की ओर मानते हुए सवालों को पूरा करोगे। और जब उत्तर की ओर मानोगे तो ये छोर कौन सा हो गया आपका? लेफ्ट। और ये छोर आपका कौन सा हो गया? राइट। क्लियर है जी इतना? ठीक, आइए अब पढ़ते हैं सवाल को। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें 6 निशान पहले से लगा लेते हैं और तर्क भी लेते हैं सवाल, लेकिन उसमें समय लगता है क्योंकि उसमें सिटिंग अरेंजमेंट इधर उधर करके देखना पड़ता है। निशान मत लगाओ, चाहे वो आपको 6 व्यक्ति दे, 7 दे, 11 दे, 9 दे, कितने ही व्यक्ति दे दे, निशान अपने आप लगते हुए चले जाएंगे। बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और एग्जैक्ट पोजिशन ढूंढनी है कहां दी हुई है। जैसे कि पहले मणि ने क्या है, यू बी के बाएं एग्जैक्ट है, तो यू को हमने क्या किया? बी के बाएं, सबसे पहले हमने बी को रख लिया और बी के बाया ही हो गया यू, क्योंकि बाया हम छोर हमारा है, ठीक है। लेकिन अभी लेकिन वर्ड आगे किसके लिए आया? आज ही अभी बताया था, पहले वाले के लिए, इस यू के लिए ये लेकिन वर्ड आया है। किसके लिए? यू के लिए। ये यू जो है, अब लेकिन की जगह लेकिन को मत पढ़ो, किसको पढ़ो? यहां पे यू को, यू डब्ल्यू के दाएं में है, तो यू को हमने डब्ल्यू के दाएं में कर दिया। क्लियर हो गया तक? ठीक। उसके बाद जो, अब जो वर्ड आता है किसके लिए? जो बाद में होता है, सबसे बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यू। तो अब इसको जो ना पढ़ते, इसे क्या पढ़ोगे? डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो एक्स के दाएं में है, तो डब्ल्यू को हमने क्या कर दिया? एक्स के दाएं में कर दिया, क्योंकि एक्स जो है, एक्स का दाएं नहीं तो होगा यू के डब्ल्यू। अगला पॉइंट है, यहां तक ये बात खत्म हो चुकी। वाई जेड के दाएं में है, तो वाई अभी हमारे पास नहीं है और जेड भी अभी हमारे पास नहीं है, तो इस लाइन को अभी रहने दो, आगे बढ़ो। वाई जेड के दाएं में है, और वर्ड किसके लिए आता है? और वर्ड आता है आपका पहले वाले के लिए, अभी बताया था। तो यहां और की जगह हम क्या रख लेंगे? वाई।
वाई जो है वो एक्स के बाय में है। अब एक्स कहाँ है, ये है जो, और एक्स का बाय ये क्या हो गया आपका वाई। अब जो लाइन छोड़ी थी वो क्या थी कि वाई जेड के दाएं में है, तो इस y को z के दाएं में कर दो क्योंकि ये z का दाएं, z को y के बाएं में रखोगे तो y अपने आप दाएं में पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब मैंने छह निशान लगाए थे क्या, अपने आप लग गए, अरेंजमेंट पूरा हो गया। ये समझाने में टाइम लगेगा, जब आप क्वेश्चन बना के देखोगे ना तो आपका 15 सेकंड या 10 सेकंड में क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, निशान अपने आप लगते चले जाएंगे। पूछा क्या है जी, अब क्वेश्चन में चाहे वो कुछ भी पूछ ले, मेन चीज होती है इसका अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट के आधार पर वो आपसे एक सवाल पूछे, दो पूछे, तीन पूछे। अगर रेलवे की अगर बात करें तो तीन तीन तक सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी में पिछली बार, ठीक। तो इसमें केवल एक ही सवाल पूछा है कि पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के मध्य में अब छह व्यक्ति हैं, तो कोई एक व्यक्ति तो आएगा नहीं, दो ही आएंगे पेयर में, तो पंक्ति के मध्य में कितने हो गए, दो व्यक्ति। कौन कौन, एक्स और डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, ठीक। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेन चीज है इन दोनों लाइनों को नहीं भूलना है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहा है उसने क्या, अगले सवाल को पढ़ो जरा। ए बी सी डी ई और ई एफ और जी, कितने व्यक्ति हैं इस बार, सात व्यक्ति। पूर्व की ओर मुकर दिया, देखो दिशा उसने दे दी पूर्व, यदि तो पूर्व दिशा हमारी किधर होती है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो दिशाओं वाला ग्राफ क्या होता है, ये होता है आपका एन ई एस डब्ल्यू, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो पूर्व दिशा हमारी कौन सी होती है, ये। तो यानी कि इस तरीके से वो क्या है, इधर की तरफ वो फेस करके बैठे हुए सारे के सारे लोग, ठीक है। सात व्यक्ति, सात निशान मत लगाओ, मैंने पहले भी बताया निशान अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सी डी के तुरंत दाएं, पहले सवाल को एक नजर में पूरा पढ़ लिया, सी डी के तुरंत दाएं एग्जैक्ट पोजीशन है, शुरू कर सकते हैं यहां से भी, कोई दिक्कत नहीं है। बी एक छोर पर है, बी एक छोर पर है, ई के पड़ोसी है, ठीक। जी और एफ के बीच में है, डी दक्षिण के छोर से तीसरा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। इससे शुरू कर लो या पहले से शुरू कर लो, पहला पॉइंट क्या है, सी डी के तुरंत दाएं, तो सबसे पहले मैंने डी को रख लिया। अब डी का तुरंत दाएं हो गया सी, हमारे पास दो व्यक्ति आ गए, एग्जैक्ट पोजीशन दी हुई थी सी डी के तुरंत दाएं है, तो सी को डी के तुरंत दाएं। क्यों, क्योंकि जब इधर की ओर फेस है पूर्व की ओर, आप अपने आप को कंसीडर करो, जब आप इधर की तरफ देख रहे हो तो आपका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड ये हो गया और राइट हैंड आपका ये हो गया, ये वाला छोर कौन सा हो गया, ये छोर आपका कहलाएगा राइट और ये वाला छोर कहलाएगा आपका लेफ्ट, दायां बायां, ठीक। अब डी और सी हमारे पास दो व्यक्ति हैं, डी और सी से रिलेटेड रिलेट किया करो, पॉइंट रिलेट करके क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। सी और डी आए दो व्यक्ति, दो व्यक्ति में किसी के बारे में बात कही गई कि हाँ कही गई थी ये वाली बात कि डी दक्षिण के छोर से तीसरा है, तो जब ये दिशा आपकी पूर्व है तो ये वाली उत्तर होगी, ये पूर्व होगी, दक्षिण ये वाली क्षेत्र, दक्षिण ये वाली दिशा होगी। अब दक्षिण के छोर से कौन सा है, तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि इधर और कोई नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अगला पॉइंट था कि बी एक छोर पर है, ई का पड़ोसी है, बी एक छोर पर है तो एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। अगर मैं बी को यहां रखूं तो बी का पड़ोसी कौन कह दिया उसने कि बी ई का पड़ोसी है, और जबकि यहां बी का पड़ोसी कौन आ रहा है, सी, तो इसका मतलब बी इस छोर पर नहीं हो सकता। बी कहां जाएगा, बी इस वाले छोर पर आएगा और ये पड़ोसी किसका है जी, ई का पड़ोसी। क्लियर हो गया। अब बी और ई से रिलेटेड और कोई पॉइंट देखो, ये रहा, जी ई और एफ के बीच में है, तो ई और एफ के बीच में यहां पे आपका मान लिया मैंने, ये हो गया आपका एफ, और ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, यहां पे जी बैठा है। क्लियर है, कितने निशान आ गए, एक दो तीन चार पांच छह सात के सात निशान आ गए, छह व्यक्ति आ गए। अब किसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, किसके बारे में, ए के बारे में, तो जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया जो बच गया वो यहां पे आ गया, ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अब अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। जैसे कि पूछा क्या है, पूछा ये है कि पंक्ति के छोरों पर कौन सा जोड़ा बैठा है, तो एक छोर पर तो है बी और एक छोर पर है ए, तो पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ जोड़ा कौन सा हो गया, ए बी या बी ए, है कोई सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर बी का आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, इसमें ना उत्तर दिया हुआ था ना आपका दक्षिण दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, पूर्व की दिशा की, तो
तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। उसमें कहा गया है आपका 7 सदस्यों का एक पैनल उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। कितने व्यक्ति हैं जी? 7। दिशा कौन सी? उत्तर। दे दी उसने, नहीं देता तो क्या करते? उत्तर की ओर मान के करते। तो इस तरीके से हमने एक लाइन खींच ली, उत्तर की ओर फेस है, तो ये हमारा राइट हैंड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, बाया दाया। क्लियर है? इतना काम कर लिया। 7 निशान मतलब है ना, 7 निशान लगा लिए तो सवाल में कर लोगे, टाइम काफी लग जाएगा क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे रख के चीज नहीं आ रही तो फिर इधर मानना पड़ेगा। निशान अपने आप लग जाएंगे और 10 सेकंड के अंदर आंसर, 15 सेकंड के अंदर आंसर, वो आपकी स्पीड के ऊपर कि आप कितने क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको लगाने खुद से अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद जब भी टॉपिक की सभी टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से, जब किसी चैप्टर का हमें बेसिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करना आसान है। फिर मैं जब क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा तो आप अपने आप पहले उत्तर बताओ। देखो, 7 सदस्यों का एक पैनल उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, एक्स वाई के बाएं में है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन दी हुई है, एक्स जो है वो वाई के बाएं में है, तो सबसे पहले मैंने वाई को रखा। ठीक है, और एक्स वाई के बाएं में है तो इसका वाई का बाएं किधर होगा? इधर, ये आपका हो गया एक्स। ठीक है, उसके बाद लेकिन देखो यहाँ पे वर्ड आ गया आपका लेकिन, तथा, किंतु, और, किसके लिए आता है? कॉमे से पहले वाले के लिए, तो इस लेकिन की जगह क्या आ गया? एक्स। एक्स जो है वो ओ के दाएं में है, तो इस एक्स को ओ के दाएं में कर दिया। क्लियर है? यहां पे बात खत्म, 3 पॉइंट आ गए, 3 लाइन आ गई। अगला पॉइंट, पी वाई के दाएं में है लेकिन, यहां पे आपका लेकिन वर्ड आ गया, और पी किसके? वाई के दाएं में है, तो वाई ये है, वाई का दाएं ही हो गया आपका पी। हो गया, लेकिन वर्ड किसके लिए आया जी बताओ जल्दी? हाँ, पी के लिए। इसके लिए आया है पी के लिए, जो पहले लिखा हुआ है कॉमे से, पी एन के बाय में है, पी जो है वो किसके? एन के बाय में हो गया, पी किसके बाय में हो गया? एन के बाय में हो गया। ठीक, और अब ये और जो है इस सेंटेंस से मत जोड़ देना कभी, और इस सेंटेंस से जोड़ दो, यहां पे ये और जो है ये बात अलग करने के लिए आया है। ठीक, एम जेड के बाय में है, यहाँ पे और ना लगा के पूर्ण विराम भी कर सकता था कभी इस लाइन को, तुम और एम के साथ जोड़ने लग जाओ, ये बात अलग हो गई है। अब यहां से नई बात स्टार्ट हो गई है, पहचान कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अलग से बात इस तरीके की लिखी हुई है, नहीं एक्स कॉमा वाई के बाय में, एम कॉमा जेड के बाय में। ठीक है, यहाँ पे और इसके साथ, इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, एम जो है वो जेड के बाय में है। क्या एम और जेड है क्या इसमें? नहीं है, तो इस लाइन को आगे और पढ़ते हैं, जो वर्ड आ गया जी, जो पता चल गया होगा, जो किसके लिए है? ये कॉमे से बाद वाले के लिए। क्या है? जेड, जेड ओ के बाय में है, ओ हमारा ऑलरेडी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो ओ के बाय में कौन है जी? जेड, तो यहाँ पे ओ के बाय में आ गया जेड। अब किस लाइन को पढ़ते हैं? एम जेड के बाय में है, तो एम को हमने जेड के बाय में कर दिया। ठीक है, यहां तक ये पूरी बात कंप्लीट। कितने व्यक्ति थे जी? 7 सदस्यों का पैनल था, उत्तर की ओर है, 7 के साथ आ गए, आगे के नहीं आगे, बिना निशान लगाए अपने आप निशान लगते हैं, आगे 3 और 3 6 और 1 7। अब पूछा गया है इसने कि पंक्ति के मध्य में, तो 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, पंक्ति के मध्य में कौन हो गया आपका? पंक्ति के मध्य में हो गया एक्स, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? काफी अच्छे समझ में आया। ये तो आपके 6 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति है, अभी क्वेश्चन आपका आएगा 9 व्यक्ति, 11 व्यक्ति, उसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको देखते हैं अगले सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 व्यक्तियों का और फिर 11 व्यक्तियों का। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सबसे पहले मैं साइड हो गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और खुद से बनाइए। ठीक है, आप देखते हैं इन सवालों को, अगर नहीं होते तो आप वीडियो देखेंगे, पूरा देखना, स्किप मत करना। देखो सवाल है आपका, इस बार कितने मित्र हैं? 9। 9 मित्र ABCDEFGHRI एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं दी, ना उत्तर कहा ना दक्षिण, क्या करेंगे हम? हम जो है इस प्रश्न को ये मान के करेंगे कि सब लोग उत्तर देख रहे हैं, तो ये वाला छोर हमारा राइट, ये वाला छोर होगा लेफ्ट, यानी जो हमारा राइट है वो राइट और जो हमारा लेफ्ट है वो लेफ्ट। ठीक, पहला पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट हमें ढूंढना है, 11 निशान या 9 निशान मत लगाओ, अपने आप लगते चले जाएंगे। C
सी जो कि ठीक डी के ठीक दाईं ओर है, डी के ठीक दाईं ओर ये हो गया आपका डी, और डी के ठीक दाईं ओर कौन हो गया आपका सी। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी के बारे में बात चल रही है कि सी डी के तो ठीक दाईं ओर है, यहां पे बात खत्म हो गई। जबकि ये सी जो है कॉमा लग के अगर जब किया है तो बात किसकी होगी, पहले वाले की, ये भी ध्यान रखना। तो सी जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इस सी को ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ले आओ, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको बना लेता हूं, ये आपका हो गया सी। सी जो है वो डी के ठीक दाईं ओर था, और सी के बारे में बात कर रहे हैं कि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, कौन सी, तो ई के दाईं ओर तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। यहां तक ये बात हो गई खत्म। उसके बाद बी एक छोर पर है, बी एक छोर पर है, तो एक छोर आपका इधर ये भी है और ये उधर है, ठीक है। अब बी से रिलेटेड, ई डी और सी से रिलेटेड तो इसमें और कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो अब कैसे करेंगे सवाल को बताओ। ई और डी, ई डी और सी तीन व्यक्ति हमारे पास आए और इन तीनों से रिलेटेड अब कोई पॉइंट इसमें दिया हुआ नहीं है, तो अब कैसे करेंगे, इसी पॉइंट को पकड़ो। बी एक छोर पर है तो बी या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। अब बी से रिलेटेड और कोई पॉइंट दिया हुआ है जी, बोलो बी से रिलेटेड और कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या? हाँ जी ये दिया हुआ है, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखो अगर मैं बी को यहां मानता हूं, बी को मैंने इस छोर पे मान लिया, और जब मैंने बी को इस छोर पे मान लिया तो एफ बी के बाईं ओर तीसरा है, तो बी का बायां तो इधर ही होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या बी छोर पर कहलाएगा? क्योंकि अब मैं बी एफ को बी के बाएं जब रखूंगा तो बी छोर पे नहीं है, फिर तो बीच में आ गया, तो इसका मतलब ये बी इस छोर पर नहीं है, बी इस वाले छोर पर है, राइट वाले छोर पर, ये जो आपका राइट साइड है यहां पे आपका आ गया बी। क्लियर हो गया यहां तक। अब एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा ये आपका आ गया एफ। कितने निशान आ गए देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ निशान आ गए, एक निशान बचा हुआ है। एक निशान जो है वो बीच में यहां आ सकता है या इधर भी आ सकता है, क्योंकि ई छोर पर नहीं है ऐसा उसने नहीं कहा, लेकिन इतना कह दिया कि बी एक छोर पर है तो उधर तो कोई निशान जाना नहीं, या तो एक निशान बीच में यहां आएगा या इधर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एफ से रिलेटेड पॉइंट और दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ए एफ के ठीक बाईं ओर है, तो ए जो है वो एफ के ठीक बाईं ओर हो गया, हो गया। अब एक पॉइंट हमने छोड़ दिया था, कौन सा? एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, एफ हमारे पास ऑलरेडी रखा है, जी हमने लेके आ गए, तो ये बीच में क्या हो गया आपका एच, क्योंकि एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, तो एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी हो गया। नौ के नौ निशान आ गए, ध्यान से देखो आगे के नहीं आ गए, बहुत जल्दी आए हैं, और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ व्यक्ति आ गए, एक व्यक्ति के बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं, और जब नहीं कहा और एक ही निशान बच रहा है, तो जिसके बारे में नहीं कहा उसको हम नहीं यहीं पर रखते, और बचा कौन था? आई, बाकी सब आ गए थे, ये अरेंजमेंट आपका पूरा हो गया। अब इससे रिलेटेड तीन चार सवाल दिए हुए थे, मैंने केवल एक ही लिखा है, ए का पड़ोसी कौन है, तो ए का पड़ोसी कौन कौन है? सी और एफ, तो सी एफ है क्या इसमें कहीं? नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज, ठीक है। चार ऑप्शन दिए, पांच ऑप्शन दिए हुए थे, बैंकिंग का इंडिकेशन था, सी डी आई एफ एफ एच सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। ये आंसर क्यों नहीं लगाया? देखो ध्यान से ध्यान रखना इस बात का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या लगाए। जब हमारा आंसर निकल के आए, हमारा आंसर निकल के आया क्या, ए के पड़ोसी कौन कौन थे? ए के पड़ोसी थे आपके सी और एफ, वो हमें ऑप्शन में नहीं मिले, तो जब हमारा आंसर निकल के आया ऑप्शन में ना मिले तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। लेकिन अगर हम आंसर ही ना निकाल पाए तब उस कंडीशन में हम आंसर देते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों ऑप्शनों का अंतर, ठीक। और इससे रिलेटेड तीन चार सवाल और, तो कुछ भी बन सकता है कि छोरों पर बैठे हुए जोड़ा कौन कौन सा है, तो बी और ई हो गया, सी के दाएं में कितने व्यक्ति हैं, सी के बाएं में कितने व्यक्ति हैं, वो तो केवल एक बार अरेंजमेंट करना है, अगर एक बार आपने अरेंजमेंट कर लिया तो क्वेश्चन चाहे वो चार पूछे पांच पूछे, अगर अरेंजमेंट सही है तो पांच पांच सही, अरेंजमेंट गलत है तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं पूरे पूरे,
तुक्के से एक दो सही हो जाए लेकिन बाकी गलत हो सकते हैं, तो इसलिए अरेंजमेंट को सही करना है। क्लियर हो गया? चलो अगला नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर। समझ में आ गया होगा अच्छे से। जैसे कि अगला सवाल है आपका, 11 छात्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कक्षा की पहली पंक्ति में अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हैं। अध्यापक को हमने मान लिया, अध्यापक जो है वो इधर की तरफ है, दक्षिण की ओर देखता है, तो बच्चे जो है वो 11 के 11 किधर देख रहे हैं, वो उत्तर की ओर देख रहे होंगे। हमने अध्यापक को दक्षिण की ओर मान लिया तो बच्चे किधर देख रहे होंगे, उत्तर की ओर, क्योंकि अध्यापक की ओर देख रहे हैं। तो ये वाला छोर हमारा कौन सा होता है? राइट। अभी बताया है जब उत्तर की ओर होगा अभी वाला छोर कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। क्लियर है? ठीक। पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या है? डी जो एफ के जी बाद में बाईं ओर, डी जो है वो एफ के जी बाद बाईं ओर है, ये आपका आ गया डी। ठीक। यहां पे कॉमा लग के बात खत्म। बात चलिए सी, डी जो है एफ के जी बाद बाईं ओर है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब ये बात जो है कॉमा लग के जो हुई है वो डी के लिए हुई है कि डी जो है वो एफ के जो जी बाद बाईं ओर है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी के दाईं ओर पहला दूसरे दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है? ठीक। उसके बाद सी डी और एफ तीन व्यक्ति आगे, इनसे रिलेटेड कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या जी? सी डी और एफ से रिलेटेड और कोई पॉइंट इसमें इस तरीके का दिया हुआ है? ये वाला एच डी के बाईं ओर अगले स्थान पर है, तो ये आपका एच हो गया, डी से बाईं ओर अगले स्थान पर हो गया, और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एच जो है वो डी के बाईं ओर है और आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो आई ये हो गया पहला दूसरा तीसरा। यहां तक क्लियर हो गया? लाइन को इधर बढ़ा लो। उसके बाद और कोई पॉइंट? हाँ जी, ये दिया हुआ है कौन सा? अब इनसे रिलेटेड और कोई पॉइंट तो इसमें बचा नहीं, तो इस वाले पॉइंट को पकड़ लो। कौन से वाले को? इसको ए, ई के जो इस सिरे पर बैठा है, जो इस सिरे पर बैठा है, जो किसके लिए? बार बार के, यानी कि ई एक सिरे पर बैठा है और ए इस ई के जो है वो दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अगर मैं ई को यहां मान लूं इस सिरे पे, तो इसका दाया पहला दूसरा यहाँ पे ये हो जाएगा, तो क्या ई सिरे पर कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा ना, तो इसका मतलब ई इस सिरे पर नहीं है, ई जो है आपका इस सिरे पर है, और ई जब इस सिरे पर है तो ई के दाईं ओर ए जो है वो दाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा ये आपका हो गया ए। ठीक। कितने निशान आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो निशान बचे हुए, वो कैसे रहेंगे देखो। अब जो पॉइंट हमने छोड़े हैं उसको देखो, इसने कहा है जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है तथा जी के बाईं ओर तीसरा है। अब जे किस किस का पड़ोसी है? ए और बी का। तो अब मैं अगर मैं जे को यहां रखूंगा तो ए और बी का पड़ोसी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ई और ए में फिर संबंध जो दिया हो तो बिगड़ जाएगा। क्यों? उसने कहा था कि ए जो है ई के दाईं ओर दूसरा है, तो इसमें और कोई बीच में निशान नहीं आएगा, तो जब बीच में निशान नहीं आएगा तो ये आपका हो गया जे, और जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, ये आपका हो गया बी। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद जे के बारे में ये बात और कही है तथा जी के बाईं ओर तीसरा भी है। ये जो जे है आपका ए और बी का तो निकटतम पड़ोसी है, ए और बी का निकटतम पड़ोसी हो गया, तथा जी के बाईं ओर, तथा वर्ड जे के लिए आया, तथा जी के बाईं ओर तीसरा है, तो इस जे को जी के बाईं ओर तीसरा करना है, तो ये जी हो गया पहला दूसरा तीसरा। अब देखना जी कितने निशान आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के 11 निशान आ गए हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझनी है, लिंक ढूंढना है, अपने आप क्वेश्चन बनता हुआ चला जाएगा। ठीक। अब जिसके बारे में बात नहीं गई, बचा कौन था? ओके, वो यहाँ पे आ गया, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया है कंप्लीट। अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, चीजों को रिलेट करना सीखें, निशान पहले से मत लगाएं। अब इससे रिलेटेड भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन ये था, जैसे कि पूछा गया था कि बताइए कि पंक्ति के मध्य में कौन है, जी के दाएं सिरे पर कौन सा समूह बैठा है, इस तरीके से। और एक व्यक्ति में इस तरीके का सवाल भी पूछ लेता है कि निम्न में से, क्वेश्चन इस तरीके इसी में बन जाता है, निम्न में से कौन से जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है। ठीक है। आप जैसे ऑप्शन इसमें दे दिए, पहला ऑप्शन दे दिया
दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया है और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया इस तरीके से। पांचवा कहते हैं इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग में बहुत पूछा जाता है इस तरीके का सवाल, निम्न में से कौन से जोड़े में, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से ऐसा जोड़ा ढूंढ के बताना है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत गाय। तो ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पहला व्यक्ति है दूसरा, ये पहला व्यक्ति है दूसरा, ये पहला व्यक्ति है दूसरा, ये पहला व्यक्ति है दूसरा। अब आपको ये देख के बताना कि ये पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं होना चाहिए, यानी कि सी एच के तुरंत दाएं होना चाहिए। तो क्या सी एच के तुरंत दाएं है? नहीं जी, सी तो एच के तुरंत बाएं में आ रहा है, तो ये कैसा हो गया गलत, इसको चेक करो। क्या टी एफ के तुरंत दाएं में है? टी एफ के तुरंत बाएं में है, जबकि वो पूछ कर रहे हैं तुरंत दाएं, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद क्या ए ए के तुरंत दाएं में है? ए जो है वो के तुरंत दाएं में है, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरीके के सवाल बैंकिंग में बहुत पूछे जाते हैं और एक सवाल आता है उससे रिलेटेड पांच मार्क क्वेश्चन होते हैं, और ग्रुप डी में भी इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, पजल पूछे गए थे, तीन क्वेश्चन से रिलेटेड थे। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन इसके वो रह गए हैं जिसमें एक लाइन में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे होते हैं, कुछ दक्षिण की ओर, तो वो क्वेश्चन आपके आएंगे पजल में, जो पजल का टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहली परीक्षा पजल टेस्ट, तो उसमें कराए जाएंगे वो वाले सवाल। कभी आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो कराए नहीं, कि कुछ लोग उत्तर की ओर देखते हैं, कुछ लोग दक्षिण की ओर, तो वो पजल में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन थे, आप जो भी आपके पास बुक हो उसमें से क्वेश्चन बना के देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, तो क्वेश्चन आप जरूर लगा रहे होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। बाई चांस अगर आती भी है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज क्वेश्चन अभी कम हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, रीजनिंग से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।